तो कलर चिप शेयर दोस्तों मैंने आप लोगों को यार कितने लेवल पर बताया था, 8 या 9 के लेवल पर बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कम से कम 300% तक का रिटर्न दिलवाया। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सेल कर दो, यहाँ से आप लोगों को नुकसान पड़ सकता है। नहीं भरोसा होता दोस्तों हमारी कुछ वीडियोज़ देख लेना पुरानी वाली, तब आप लोगों को हो जाएगा भरोसा। इसके बाद इस शेयर के अंदर मैंने आप लोगों को बोला 70% तक की गिरावट देखने के लिए मिलेगी, तो ये दोस्तों ग्राफ के हिसाब से बनता है कम से कम 50-60% तक। और अभी क्या होने वाला है दोस्तों मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, नहीं तो दोस्तों आप लोग कहोगे यार आप लोगों ने पहले नहीं बताया। 1 मंथ में कंपनी के अंदर लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर थोड़े बहुत ऑपरेटर्स फिर से आए थे, इन्होंने फिर से एग्जिट लिया, तो कंपनी जो है लोअर सर्किट में चली गई उससे भी ज़्यादा। अभी यहाँ पर सेम दोस्तों ऐसा ही सीन बनने वाला है, यहाँ पर कंपनी फिर से दोस्तों अपर सर्किट में आई है, थोड़ा बहुत फिर बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो लोअर सर्किट में हुआ था, फिर इसके बाद कंपनी अपर सर्किट में आया, तो मतलब यार ये फिर से बढ़ेगी ऐसे ही। 2-4 दिन तक अपर सर्किट में रहेगी, 20-21% तक का आप लोगों को रिटर्न देगी, फिर इसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि कलर चिप्स जो है कम से कम 80% तक गिरेगा, तब जाकर दोस्तों इसके अंदर हो सकता है कंसोलिडेशन फेज़ आए। मतलब कोई यार गारंटी नहीं है, इस शेयर के ऊपर कुछ भी भरोसा मत करो। जो रिटर्न दे दिया इसने केवल यही दिया था, और मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था, खरीदने से पहले मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, ऑपरेटर ड्रिवन है, रिटर्न देगी 100-150% तक का रिटर्न देगी, फिर इसके बाद गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो अभी तो दोस्तों यार यहाँ पर यही चीज़ होने वाली है जो कि हमारे को थोड़े दिनों पहले देखने के लिए मिली थी, थोड़ा भर कर थोड़ा फालतू ही गिर जाएगी, तो सेम आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अभी दोस्तों इसके अंदर क्या बल्क डील और ब्लॉक डील चल रही है ये हम किसी और दिन देखेंगे, लेकिन अभी जो होने वाला है मैंने आप लोगों को बता दिया है,